शनिवार के रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी मैरवा के हॉस्टल उद्घाटन सह वर्षगांठ के कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न भेल ह, जे में तमाम गणमान्य लोग के जैसे प्रवीण मिश्रा बुलबुल प्रसिद्ध गायक आ तमाम मीडिया कर्मी जैसे न्यूज 18 के मृत्युंजय कुमार सिंह के शॉल ओढ़ा के सम्मानित करते हैं। एकरा अलावा आर्यन न्यूज सह सिवान दर्शन के डायरेक्टर मणिकांत पांडे के शॉल ओढ़ा के सम्मानित कल गेल ह। एकरा अलावा तमाम विदेश से आयल गणमान्य लोग तमाम डॉक्टर सारा लोग के सम्मानित कल गेल ह। देखी पूरा खबर। अध्यक्ष आईएमए सिवान एक प्रेरणा मिली थी लोगों के द्वारा, कहा गया कि यहाँ पे खेलकूद का भी आयोजन होता है, पूरा अचंभित लगा। सिवान में खेलकूद भी होता है तो हम लोगों ने प्लान किया, जो आदमी कराते हैं वो इसके सोच बिंदु हैं, जो इस प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी सोच इतनी पॉजिटिव है, उनको बुलाया गया। हम लोगों ने बुलाया, उनसे बात की, इतना दृढ़ संकल्प का आदमी जो अपने पूरा जीवन इसमें लगा दिया है, उसको हम लोगों ने कहा ठीक है, इसको तो सहयोग करना ही चाहिए, इस पॉजिटिविटी को आगे लेके जाना ही जाना है। उस पॉजिटिविटी में हम लोगों ने उनको इस सारी लड़कियों का चिकित्सा स्वास्थ्य और खान पान का जिम्मा हम लोगों का है। आईएमए सिवान ने इस सभी लड़कियों का स्वास्थ्य का जिम्मा ले रखा है। आप भोजपुरी कह सकते हैं कि गोद ले लिया जितनी लड़कियों की टीम में आई एम एस सिवान की टीम। पिछले साल हम लोगों ने इसको जैकेट दिया था, इस साल ब्लेजर जो आप देख रहे हैं सारे ब्लेजर आई एम एस सिवान ने दिया, डिनर दिया, सुबह का नाश्ता पौष्टिक होता है जो आई एम एस सिवान की ओर से आती है, जिसके जो सर डॉक्टर फल चौधरी की बात करते हैं। ये सब हम लोग किए हैं। दवाइयाँ बीच बीच में दवाइयाँ क्या देना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारे बच्चे देश खुश रहेंगे तो आगे, उनको हमने टारगेट दे रखा है कि तुमको अपने गेम में नेशनल खेलना है, ये तेरा टारगेट, तुमको ठीक रखना हमारा टारगेट है। थैंक यू। ये इतना बना है हम लोग के प्रेरणा स्रोत से ही बना है। हम तो सबको कहेंगे सब इसमें सहयोग करें कि हमें एक मिला है कि हमारा जिम बन जाएगा। हम लोगों ने वादा किया है जिम भी बन जाएगा, जिम के सारे जिम में जितने भी औजार लगेंगे सब आईएमए से होंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 11 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, जिस तरह से पुराने ज़माने में ऋषि मुनीषी घनघोर तपस्या करते थे और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी, ईश्वर का दर्शन होता था, ठीक उसी तरह से हमारी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की बेटियों ने 11 वर्षों की घनघोर कठिन तपस्या की है, उसके बाद जो है आज उनको जो है अपना रहने का जो है हॉस्टल हुआ, खाने पीने की व्यवस्था हुई, और ये लड़कियाँ अभी यत्र तत्र रहती थी तो राष्ट्रीय स्तर पर पदक देती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए प्रतिनिधित्व करती थी। निश्चित रूप से जो है इस कार्य को होने से, इस बिल्डिंग के बन जाने से हमारी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और हम लोग दुगुने उत्साह के साथ जो है अपना सब कुछ समर्पित करके और भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो है पदक दिलाने के लिए तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। सिवान की जनप्रतिनिधियों का कभी किसी तरह का सहयोग इन एकेडमी को नहीं मिला है। हाँ, एक बार जो है अजय कुमार सिंह जी जो है अपने यहाँ बगौरा में स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का उन्होंने आयोजन कराया था, और बाकी इसके बाद जो है किसी भी जनप्रतिनिधि का सिवान का इस एकेडमी की बेटियों को न तो किसी ने सम्मानित किया है, न कभी किसी ने कुछ सहयोग किया है। बस एक हमारे अजय चौहान जी हैं जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वो सड़क के लिए प्रयासरत या सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहते हैं। सिवान आईएमए सहयोग किया? सिवान आईएमए मेरा बैकबोन है। जिस दिन हम एकेडमी बंद करने वाले थे उस दिन चूँकि स्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थिक स्थिति, और उस समय हमको सिवान आईएमए ने जो वो अपने गोद में उठाया और इन बच्चों को जो है आहार देने का जो काम किया सिवान आईएमए,
के सचिव श्री शरद चौधरी जी हैं, श्री शशिभूषण सिन्हा जी हैं और साथ में श्री अशोक कुमार जी भी हैं। इन लोगों ने समझिए कि दूध पिला करके पाला है इन बेटियों। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, मैं उसको सीधे शब्दों में कहता हूँ कि हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लब को अंशतः गोद लिया है, अंशतः, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं सहयोगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो किसी की आवश्यकताएँ हैं, हम लोगों ने इनको इंश्योर किया है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है हम लोग करेंगे अगर आपके द्वारा मांगी जाएगी तो। साथ साथ आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि IMS सिवान ने पूरे ज़िले से जो भी खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल खेलते हैं उनको 51,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की थी, और इसी घोषणा के तहत निशा कुमारी जो फुटबॉल में इंटरनेशनल खेल के आई थी, तो एक साल पहले उसको खुशबू कुमारी उसको पुरस्कृत किया गया था। और मैं आप लोगों के माध्यम से सिवान जिला के सारे खिलाड़ियों को और संस्थाओं को ये कहता हूँ कि अगर उनकी संस्था से या कोई भी खिलाड़ी जो नेशनल या इंटरनेशनल खेलता है हमें सूचित करें, हम उन्हें अवश्य सम्मानित करें। और विस्तार हो इसके लिए क्या पहल रहेगी? विस्तार हो इसकी, संजय पाठक जी ने इसका एक बीड़ा उठाया है। हमें बहुत आश्चर्य होता है कि पैसे वाले तो बहुत सारे लोग हैं, समय भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन काम कुछ करते नहीं हैं। जैसे उसमें हम लोग हैं, हम लोग के पास पैसे हैं लेकिन कुछ वैसा काम हम लोग अब तक किए नहीं जिससे जिला को कोई लाभ पहुंचे। तो उसको अकस्मात कह लीजिए कि किसी मंच पे हमारी मुलाकात संजय पाठक जी से हुई, तो मैं उनको पहचानता तक नहीं था, केवल पेपर में नाम पढ़ा था। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो यथासंभव हम लोग मदद कर सकते हैं। तो लगता है कि मेरे इस आश्वासन के 2 साल के बाद उन्होंने एक बार हमें कॉल किया कि सर कुछ चीज़ की आवश्यकता है। हमने सहर्ष उसको स्वीकार किया और हमारे सारे चिकित्सक सिवान के, ये तो अभी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं IMA को, अदरवाइज हम लोग हर संडे को पूरे लोग महीने के एक अखबार को सब लोग आते हैं, सारे डॉक्टर्स आते हैं, एक पिकनिक यहाँ बनता है बच्चों के साथ, तो हम लोग एक जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि और से और ज़्यादा लोग जुड़ें। तो हमारा प्रयास यही है कि खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने हुआ कि इसको मदद किया जाए और यहाँ से लड़कियाँ अच्छा कर रही हैं तो इसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें सहयोग किया जाए। आगे और भी लोग अगर आते हैं अपने सच्ची निष्ठा के साथ तो हम लोग उसमें सहयोग करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर उन लोगों का बहुत बेहतरीन सहयोग है और उसी सहयोग के बदौलत इतना प्यारा जो साइनिंग है ना, ये रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लब का जो साइनिंग है, इसमें कहीं ना कहीं आवाम और वैसे सुलझे लोग हैं जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। विशेष करके संजय पाठक जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका जो सोच है कि जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे और बच्चियाँ उन लोगों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देना, और उस प्लेटफॉर्म के बदौलत एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो धरती है उस धरती को नया पहचान देना, या कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखिएगा बहुत बड़ा प्रतिमान स्थापित करेगा। और चूंकि हम यहाँ के स्थानीय मुखिया और मेरा भी सहयोग रहता है, मैं भी प्रयास करता हूँ कि साथ कदम से कदम मिला के कदम चलूँ और ताकत देने का मैं प्रयास करूँ। अजय चौहान, 1 अप्रैल दूसरे दिन सर तब क्षमा प्रार्थी है, सर थोड़ा सा व्यस्त है, हम जानते हैं कि फिर एक बार हाथ जोड़ी बा कि सब्सक्राइब करी, शेयर करी, अपना भोजपुरी भाषा के मान सम्मान बढ़ाई, यही बड़े बड़े खुलासा रउआ के लगातार हम सबसे पहले देते रहें तो